जैसा कि हम सभी को पता है कि टैली प्राइम 3.0 में अपडेट हो चुका है और मुझे लगता है अभी तक सभी यूजर्स ने अपना टैली अपडेट भी कर लिया होगा, मतलब सभी लोग टैली प्राइम 3.0 यूज भी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ कस्टमर्स की, कुछ यूजर्स की एक प्रॉब्लम मुझे मेजर देखने को मिली है, जब वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनकी रिटर्न को JSON फाइल में एक्सपोर्ट करने पर कुछ भी डाटा शो नहीं कर रहा है। उसी का सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। मैं हूं हिमानी शर्मा और आप देख रहे हैं स्पाई टैली GST। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे GSTR1 को एक्सपोर्ट करने पर जो डाटा नहीं दिख रहा है या शो नहीं हो रहा या फिर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, उसको आप क्या सॉल्यूशन करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम जाएंगे डिस्प्ले में और यहाँ पे हम स्टेचरी रिपोर्ट में जाएंगे, GST रिपोर्ट में जाने के बाद GSTR1 है। अब हम इसको अप्रैल का जो डाटा है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे सामने कुछ डाटा है आपका रिटर्न्स का। अब हमें करना क्या है, इसको एक्सपोर्ट करना है। Alt E प्रेस करेंगे एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ पे GST रिटर्न्स को एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी डाटा शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो इसका हम पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रिटर्न एक बार हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, चाहे वो आपने एक्सेल की शीट में किया हो या फिर JSON फाइल में किया हो या CSV फाइल में फॉर्मेट में किया हो, तो अगर आपने इस डाटा को एक बार एक्सपोर्ट कर लिया है तो दोबारा Alt E प्रेस करके जब आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपको कंप्लीट डाटा नील दिखाएगा। कोई भी डाटा आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने अप्रैल का डाटा लिया, अभी मैं लेती हूँ मई का डाटा। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे ये जो डाटा है उसको मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ। Alt E प्रेस करेंगे, GST रिटर्न्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका डाटा शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये पॉइंट है कि आपने अगर एक बार, अगर आपका डाटा भी यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा, इट मीन्स आपने उसको एक बार Alt E करके उसको एक्सपोर्ट कर लिया, चाहे वो एक्सेल शीट में किया हो या फिर किसी अदर फॉर्मेट में किया हो, लेकिन वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो जैसे हमने यहाँ पे अप्रैल का डाटा यहाँ पे सिलेक्ट किया है और अब इस डाटा को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो Alt E प्रेस करेंगे यहाँ पे सिंपली और GST रिटर्न्स पे एंटर करेंगे। ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को, क्योंकि सॉल्यूशन अगर एक भी पॉइंट रह जाता है तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, फिर आप कमेंट करके पूछते हैं कि ये सॉल्व नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, जब आपने एक्सपोर्ट किया GST रिटर्न में आप गए, अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बेसिस ऑफ वैल्यूज, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आप देखेंगे इंक्लूड ट्रांजेक्शन वेयर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, इस ऑप्शन को आपको एंटर प्रेस करके यस कर देना है। वाई प्रेस करके यस नहीं होगा, एंटर प्रेस करके इसको यस करना है। सेकेंड ऑप्शन है इंक्लूड ट्रांजेक्शन मिस मैचिंग विद GST डाटा, इस ऑप्शन को भी यस कर देंगे। मेरा ऑलरेडी यस हो रहा है। इन दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद आपको एस्केप करके बैक आना है। बैक आएंगे तो आपका जो भी डाटा है वो आपका शो करने लगेगा एक्सपोर्ट होने के बाद भी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है तो एक बार से उसको देख लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो इस तरीके से आप दोनों ऑप्शन यस करके इस डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करके बताती हूँ। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए जो भी आपको फॉर्मेट यहाँ सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा JSON फाइल सिलेक्ट है, अगर आपको दूसरा फॉर्मेट करना हो एक्सेल फॉर्मेट में भी, तो यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब अपना फाइल फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो आपने करना क्या है, इसको एक्सपोर्ट क्लिक कर देना है और आपका जो डाटा है, जो भी आपकी रिटर्न है, वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। आई होप आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने जो भी रिटर्न फाइल करने वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है जब भी आप टैली प्राइम को अपडेट करेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।